नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मेहसाणा से मुकेश आरजानी आपका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा लिखा देखा आपने स्पीपा, फुल फॉर्म है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस है एक काफ़ी बड़ा, और उसमें आप देख चुके हैं कि एक टेबल के पीछे सांप छुपा हुआ है। मैं तो देखते ही पहचान सकता हूँ कौन सा सांप है और उसको कैसे हैंडल करना है। आप वीडियो में भी देखेंगे कि पीछे जो है सांप दिख रहा है, लेकिन क्या करना है सामान्य पब्लिक को नहीं पता होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गया हूँ। और जैसे ही टेबल के पीछे की तरफ जाया, आपने देखा टेबल हटाया ना, तो सांप वहाँ से बाहर निकला और बाहर निकल के भागने की कोशिश कर रहा था। आपने ये भी ध्यान किया होगा कि मैं उसको पूंछ की तरफ से पकड़ने के लिए ही आगे बढ़ा हूँ, जबकि वह मेरे से आगे निकल चुका था। फिर भी उसको पकड़ना पूंछ की तरफ से ही ज़रूरी है। यह धामण सांप है। आप कई बार मेरे वीडियो में देख चुके होंगे कि धामण जहरीला नहीं होता है, लेकिन काफ़ी ताकतवर ज़रूर होता है। और ऐसे किसी हाइड आउट से जब वो बाहर निकलता है तो काफ़ी एग्रेसिव भी होता है, भागने की कोशिश करता है। तो वही आज हो रहा है। आपने देखा होगा कि सांप काफ़ी उछल कूद मचा रहा है, और उसको इस समय कैसे पकड़ना, कितना पकड़ना, कैसे हैंडल करना, इसका मुझे अनुभव है। कई लोग हैं वहाँ पे देख रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स, वो लोग वीडियो भी बना रहे हैं, और ऐसा ही एक वीडियो आपको मैं शेयर भी कर रहा हूँ मित्रों। और इसी अपेक्षा के साथ कि आप लोग हमेशा सांप को बचाते रहें, उसको बचाने में मेरा सहयोग करते रहें, मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, स्प्रेड करें, ताकि इस बात की अवेयरनेस हर तरफ आए। मित्रों, सांप काफ़ी एग्रेसिव है। एक थैली आई है, लेकिन उसमें डालना थोड़ा कठिन पड़ रहा है, क्योंकि वह अंदर जाने को तैयार नहीं है। अभी नहीं तो कुछ सेकंड बाद सांप अंदर आ जाएगा, और कुछ ही समय में वह उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा। मित्रों, तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, सांप को बचाएं, सांप को बचाने में मेरा सहयोग करें, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि अवेयरनेस फैलती रहे और लोगों को पता चलता रहे कि सांप क्यों बचाने चाहिए। मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मैं मुकेश जानी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।